बाल झड़ने की समस्या कब आपके सामने समस्या बन के खड़ी हो जाए इसके लिए कुछ नहीं कह सकते हैं, क्योंकि बालों का झड़ना बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड होता रहता है जो कि समय के हिसाब से बदलते रहते हैं। जैसे हमारे बॉडी में न्यूट्रिशन डेफिशिएंसीज कितनी हैं, डिसीजेज कितने हैं, मेडिसिन कौन सी चल रही हैं, फूड हम लोग किस तरीके का खाते हैं, किस समय पर खाते हैं, सोना उठना हम लोग का कैसे है, रेडिएशन के कितने कॉन्टैक्ट में हैं, बॉडी में टॉक्सिन लेवल कितने हैं, इस तरीके से बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि हम लोगों के बालों के झड़ने के साथ एसोसिएट रहते हैं। और इसका अगर हम लोग सॉल्यूशन देखने जाते हैं तो सॉल्यूशन में सभी लोग चाहते हैं कि स्टार्टिंग लेवल पे हम लोगों के किसी हेयर ऑयल से या शैम्पू को बदल के हम लोग के हेयर की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। लेकिन अगर आपकी प्रॉब्लम ऑयल बदलने से या फिर शैम्पू बदलने से सॉल्व नहीं हो रही है और हम अगर उसको ऐसे ही छोड़ देंगे तो एक कंडीशन ऐसी आ जाती है कि बाल झड़ते तो जा रहे हैं लेकिन उनकी ग्रोथ नहीं हो रही है, जिसकी वजह से बाल पैचेज या गंजापन भी आना शुरू हो जाता है। तो बालों की समस्या को अगर आप सुलझाना चाहते हैं तो उनके रूट कॉज पे जाना बहुत ज़रूरी होता है। एक सा ट्रीटमेंट सभी के लिए काम नहीं कर सकता क्योंकि सभी के जो कॉजेस फैक्टर हैं वो डिफरेंट होते हैं, इसी तरीके से जो सॉल्यूशन होते हैं वो भी डिफरेंट होते हैं। लेकिन फिर भी हम लोग बालों में जो न्यूट्रिशन की सप्लाई करते हैं या जो हेयर टॉनिक बना सकते हैं वो ऑलमोस्ट सबके लिए एक से ही रहते हैं। जैसे कि बालों को कंप्लीट पोषण देने के लिए हम लोग ऐसे फूड सप्लीमेंट्स को मिला के बालों में यूज़ कर सकते हैं जिनसे हमारे जो बालों के लिए जितनी भी न्यूट्रिशन है एक टॉनिक के फॉर्म में सप्लीमेंट द्वारा मिल जाती है, तो उससे भी बालों के झड़ने को काफ़ी हद तक रोका जा सकता है। लेकिन साथ के साथ में उसके इंटरनल रूट कॉज पर भी काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। फ्रेंड, मैं अपना सेल्फ एक्सपीरियंस हेयर फॉल कंट्रोल के रिगार्डिंग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अभी रिसेंट में ही मेरे दो ऑपरेशन हुए थे और मेरा हीमोग्लोबिन लेवल भी बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो गया था, जिसकी वजह से मेरा एक्सेस में हेयर फॉल था। माने जब आप कंघी कर रहे हैं तब आपके बहुत सारे बाल कंघी में आते थे और ज़मीन पर भी बहुत सारे बाल गिर जाते थे, और ये इतनी ज़्यादा तेज़ी से हो रहा था और मुझे पता था कि मेरा जो हेयर फॉल है वो सिर्फ ऑयल बदलने से अब नहीं सॉल्व होने वाला, क्योंकि मेरा इंटरनल कॉज हीमोग्लोबिन में कमी होना है और मेरे अभी जो दो ऑपरेशन हुए उसके बाद मुझे जो फिजिकल वीकनेस की रिकवरी चाहिए वो भी मुझे उसमें इंक्लूड करना है। तो मैंने अपने बॉडी के अकॉर्डिंग फूड सप्लीमेंट्स लेना भी शुरू किए, डाइट को भी मैंने बहुत अच्छे से इम्प्रूव किया और हेयर ऑयल के लिए मैंने न्यूट्रिशियस बेस्ड हेयर ऑयल बनाया जिसमें कि बालों को स्ट्रेंथन देने के लिए जितने भी फूड सप्लीमेंट की ज़रूरत होती है, जो बालों के लिए हेयर टॉनिक का काम कर सकते हैं, वो सभी सप्लीमेंट मैंने इसमें मिलाए और मिला के उनको लगाया। तीनों चीज़ों को जब मैंने इम्प्रूव किया तो उसके बाद मेरे 15 दिन के अंदर हेयर फॉल कंट्रोल बहुत अच्छा हो गया और अब तक बहुत अच्छा कंट्रोल में है। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि अगर आपको हेयर फॉल कंट्रोल करना है तो आपके रूट कॉज पे भी आपको काम करना है, आपकी डाइट को भी इम्प्रूव करना है, फिर ऑयल और शैम्पू बदलने से आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि मैंने किस तरीके से न्यूट्रिशियस ऑयल फूड सप्लीमेंट द्वारा बनाया और किस तरह से लगा के उसके रिजल्ट लिए, साथ में डाइट को इम्प्रूव किया और फूड सप्लीमेंटों का भी मैंने अपनी डेफिशिएंसीज को रिमूव करने के लिए सहारा लिया। इन तीनों को मिला के मैंने अपने बालों में काफ़ी अच्छा हेयर कंट्रोल पाया और ये इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ मैंने 2 स्पून मोदी केयर का सलून ऑयल लिया है जो कि नॉन स्टिकी ऑयल है और ये बालों को टेंगल फ्री बनाने और ब्रेकेज को रिपेयर करने में मदद करता है। ये ऑयली हेयर्स को भी चलता है। इसमें मैं मोदी केयर का फूड सप्लीमेंट इंटेलेक्ट को मिला रही हूँ जो कि चेरी एब्स्ट्रैक्ट और पाइन बार्क एब्स्ट्रैक्ट दो बहुत ही पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट का कॉम्बिनेशन है जो कि बालों में आयरन एब्जॉर्प्शन में मदद करते हैं, हेयर रीग्रोथ में मदद करते हैं, बाल को शाइनी बनाते हैं और प्री मेच्योर ग्रे हेयर से बचाते हैं। विटामिन सी के भी सप्लाई का ये हाइएस्ट सोर्स है। अब मैं इसमें स्पिरुलिना का एक कैप्सूल मिला रही हूँ जो कि प्रोटीन का हाईएस्ट सोर्स हमारे हेयर को सप्लाई करता है और हेयर रीग्रोथ को भी प्रमोट करता है, साथ में ये बालों को स्कैल्प को भी डिटॉक्सिफाई करता है। अब मैं इसमें फ्लैक्सीड ऑयल का एक कैप्सूल मिला रही हूँ जो कि ओमेगा 3 फैटी एसिड, सिलेनियम इन सब के हाइएस्ट सोर्स में माना जाता है। ये बालों के हेयर फॉलिकल्स को नरिश करता है और डैमेज हेयर को भी रिपेयर करता है। अब इसके अंदर मैं 5 से 6 ड्रॉप्स टी ट्री ऑयल की मिला रही हूँ जो कि एक एसेंशियल ऑयल है जो कि हमारे स्कैल्प के पीएच बैलेंस को बनाए रखने में मदद करती है, न्यूट्रिशंस के एब्जॉर्प्शंस में मदद करती है, डेंड्रफ रिमूव करने में और हेयर इचिंग को शांत करने में मदद करती है।
बस अब आपका ये न्यूट्रिशियस ऑयल बनके तैयार हो गया है, जिसमें सभी वो हेयर टॉनिक मिले हुए हैं जो कि बालों को स्ट्रेंथन देने के लिए, हेयर रीग्रोथ के लिए, बालों को प्री मेच्योर ग्रेइंग हेयर से बचाने के लिए, इन सभी के लिए ज़रूरी है। बस अब आप इसे बालों में पार्टीशन करके फिंगर टिप्स की मदद से आप इसको लगा लीजिए और लगाने के बाद हल्के हाथों से मसाज कीजिए। इस ऑयल को आप रात में लगा के सोइए और उसके बाद अच्छी तरीके से कंघी बालों में कीजिए और अगले दिन वॉश कीजिए। इस ट्रीटमेंट को आप वीक में 2 times मिनिमम रिपीट कीजिए। फूड सप्लीमेंट में डेली बेसिस पे न्यूट्रिशन गैप को पूरा करने के लिए मैंने मोदी केयर का मल्टी मिनरल मल्टी विटामिन को लिया, जिससे कि मेरे डेली बेसिस पे जो भी न्यूट्रिशन की एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट की ज़रूरत होती है जो कि हमारे न्यूट्रिशन गैप को पूरा करती है, इसमें मदद मिलती है। और मोदी केयर का कैल्शियम लिया जो कि सिट्रेट मैलेट फॉर्म में रहता है और स्टोन फॉर्म नहीं करता है। इसमें अदर सपोर्टिव एलिमेंट जैसे कि जिंक, मैग्नीशियम, K2-7 सब कुछ अवेलेबल रहता है। यही ट्रीटमेंट मैंने अपनी मदर इन लॉ के बॉल पैचेस पे किया। आप देख सकते हैं गंजापन उनके चालू हो गया था, उनको भी मैंने इंटरनल मोदी केयर का मल्टी विटामिन एंड कैल्शियम स्टार्ट किया और हेयर रीग्रोथ ऑयल मैंने अल्टरनेटिव डे पे लगाया है। मैंने डर्मास्कोप से जब उनकी टेस्टिंग की तो देखा पहले कोई भी नई हेयर रीग्रोथ उसमें चालू नहीं थी, लेकिन इस ट्रीटमेंट को जब मैंने 2 महीने तक कंटिन्यूस किया तो उसके बाद उनके काफ़ी अच्छे बाल आए और सारा जो बाल पैचेस था वो 2 महीने के अंदर ही उनका भरना स्टार्ट हो गया। और डर्मास्कोप से भी जब मैंने उनकी टेस्टिंग की तो मैंने देखा बहुत सारे नए हेयर रीग्रोथ जो है उनके आना स्टार्ट हो गए हैं। तो काफ़ी मदद मिली इस न्यूट्रिशनल ऑयल से और मोदी केयर के ये 2 supplements को स्टार्ट करने से। आप इसका मिनिमम 3 months का कोर्स जरूर कीजिएगा, 3 महीने के अंदर आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलने चाहिए। फ्रेंड्स, इसमें जो आउटर न्यूट्रिशनल ऑयल ट्रीटमेंट है ये आपका कम से कम 3 महीने चल जाता है, बाकी आपको जो इंटरनल सप्लीमेंट है ये आपको 3 महीने के लिए ज़रूर बाय करने पड़ते हैं। तो इस तरीके से ये काफ़ी कॉस्ट इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट होता है और रिजल्ट ओरिएंटेड ट्रीटमेंट होता है। फ्रेंड्स, अब मैं आपको इन सभी प्रोडक्टों को आपकी मोदी केयर ID पर परचेस करने का बेनिफिट बताती हूँ। इन पूरे प्रोडक्टों की कॉस्ट जिसमें इंटरनल टू आउटर दोनों ही सप्लीमेंट अगर मिला लिए जाएँ तो 3471 MRP होती है। DP प्राइस में ये हम लोगों को 2932 का पड़ता है और बिजनेस वॉल्यूम इसमें 1749 rupees होते हैं। अगर हम लोग सेविंग की बात करें तो MRP और DP के डिफरेंस सेविंग कहलाता है, जो कि 539 rupees हम लोगों को सेव करने के लिए मिल जाता है। रीपर्चेस गिफ्ट की बात करें तो आप जो 2932 का बिल है वो आप 3000 का मिनिमम कर दीजिए, जिस पर आपको अप्रॉक्सीमेट 300 rupees की मिनिमम गिफ्ट मिल जाएगी। और कैशबैक की बात करें, क्योंकि स्टार्टिंग से जो भी मोदी केयर में आता है उसको 7% बिजनेस वॉल्यूम पर एटलीस्ट कैशबैक मिलता है, तो 122 rupees का इसमें आपको कैशबैक मिल जाएगा। टोटल बेनिफिट को काउंट करें तो 961 rupees का आपका टोटल बेनिफिट होता है। तो इसलिए आप इन प्रोडक्टों को आपकी मोदी केयर ID पर ही लें। और फ्रेंड्स, इसी हेयर ऑयल के पैकेज से आप अपनी डायरेक्टर क्वालिफिकेशन भी आराम से कर सकते हैं। अगर आप और आपकी टीम मिलके 20 लोग भी अपना ऑर्डर अपनी ID पर डालते हैं तो आप देखते हैं बिजनेस वॉल्यूम आपके 34,000 के ऊपर चले जाते हैं, जो कि डायरेक्टर क्वालिफिकेशन के लिए सफिशियंट होते हैं। और इस तरीके से आप बहुत आसानी से डायरेक्टर क्वालिफाइड करके जो डायरेक्टर बोनस है वो पा सकते हैं, ABP बोनस पा सकते हैं, अपना चेक बढ़ा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, देखा आपने मोदी केयर के प्रोडक्टों को यूज़ करके आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, दूसरे की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में मदद कर सकते हैं, अपने आप को फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट बना सकते हैं और अपनी टीम में भी आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट लोगों को बना सकते हैं। कितना खूबसूरत मोदी केयर की अपॉर्चुनिटी है। मोदी केयर के प्रोडक्टों को यूज़ कीजिए, अपनी ID पर परचेज़ कीजिए और लोगों को भी सही बिजनेस को शेयर कीजिए।